सर ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पे अनामली का, एक एग्जाम्पल से लेकर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। हमने हर बार जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबसे मिले, सबसे रुजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे दिए और टाइम किल किया। हमारे इस मसले को किसी ने सीरियसली हल करने की कोशिश नहीं की। अभी रिसेंटली 1.5-2 साल हो गए गवर्नर साहब के पास हम गए थे, गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि आपका मसला जल्द मैं हल करूंगा प्रायोरिटी बेस पर। लिहाजा अभी 2 साल होने को जा रहे हैं, लिहाजा आज तक हमारे इस मसले को उन्होंने हल नहीं किया। लिहाजा हम उसी संदर्भ में आपके माध्यम से ये इन अंधे बहरे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो, और हमने इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी दी है, और आपको मालूम है कि पुलिस का महकमा मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कितना अहम है, इसके बगैर कोई भी मुल्क जो है महफूज नहीं रह सकता। तो लिहाजा हमने एकता उस देश रियासत की एकता अखंडता और इस मिलिटेंसी के दौर में इतनी हार्ड फास्ट ड्यूटी देने, हमारे कई साथी दुनिया से चल बसे, फिर उसके बाद भी ये आज हमारे तक इन्होंने इंसाफ नहीं। दूसरी बात यह है जो हमारा पे अनामली का अपना मेडिकल अलाउंस है, सेंट्रल एम्प्लॉय को 1,000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया, ये तो एक बहुत बड़ा बदा मजाक हो रहा है हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि उस वक्त ये बोला गया था कि यूटी और सेंटर में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे सेंटर के कानून लागू होंगे, लिहाजा ये सिर्फ कहने की बात है। अब 2017 से सेंटर एम्प्लॉय को 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, ये तो एक बहुत बड़ा बदा मजाक किया जा रहा है। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये हम बात कहना चाहते हैं कि भाई इस बेइंसाफी को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि हमें रात की सांस मिले। और तीसरी बात यह है कि मेडिकल अलाउंस जिस तरह ECH के कार्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बनते हैं उसी तरह हमारे भी बनने चाहिए। अब इनके पास कोई पहाड़ा नहीं है कि भाई हम स्टेट के, लिहाजा हम सेंटर के अंडर है, अमित शाह जी के अंडर हमारा जो पुलिस का महकमा आता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर। तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके हमारे ECH कार्ड बनाने चाहिए ताकि हमें रात की सांस मिले। और चौथी बात यह है कि जो हमारे बच्चों की जो रिजर्वेशन है प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और हमें आने वाला वक्त जो है अपने आराम से जिंदगी का गुजारे। अभी तक चुनाव बैठे तो बहुत सी पार्टियां आपके पास आई, हमें अपना चुनावी माहौल के दौरान वादे वगैरह किन पार्टी ने आपसे किए, लीडर्स आपके साथ बताते। सर आपको मालूम है कि जब इलेक्शन होता है उस वक्त जितने भी नेतागण होते हैं सभी आके हाथ जोड़ते पांव बांधते, तो जब ये वो कहते हैं ना कि भाई वो इलेक्शन का दिन निकला, 5-7 दिन इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगनी और डोर टू डोर जाना है, और उसके बाद जब ये चेयर पे बैठ जाते हैं तो शहनशाह अकबर बन जाते हैं, उस वक्त इनका हाफ पाव भी बदल जाता है। ये आपकी किसी पर्टिकुलर लीडरशिप के साथ सबने सबसे हमारी बात हुई हमने सब लीडरों से रजू किया, NC वाले, कांग्रेस वाले, BJP वालों से कि भाई कम अज कम हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो हमारा भी वोट उतना ही है जितना आपका है, तो कम अज कम हमारे साथ जस्टिफाई होना चाहिए। तो सब उन्हें लारे वादे दिए जी आप हम हुकूमत में आएंगे तो आपको हम ये आपका मसला दूर कर देंगे, तो लिहाजा आप देखते हैं कि उनके जी आप 70 साल हो गए हमें ये इलेक्शन देखते हुए, तो आज चलो इनको महीना 15 दिन तो अभी देख लेते हैं या 2 महीने तक इनका भी देख लेते हैं। अगर गवर्नर साहब 2 साल निकाल सकते हैं तो ये इलेक्टेड MLA है, आपको यू नो वेरी वेल अबाउट द स्टेट सिचुएशन। अगर इनकी अब इनके पास एक बाड़ा हो रहा है जी हमें दिल्ली पैटर्न पे केजरीवाल की तरह हमें रखेंगे, तो लिहाजा अब ये पोजीशन क्लियर होगी तो हम भी इनको जाके पूछेंगे भाई क्या बात है, आपने उस वक्त हमारे साथ वादा किया था तो बताइएगा आपके वादे का। आपको लगता है कि डिप्टी CM जो जम्मू से है वो इस मामले पर कुछ करेंगे क्योंकि जम्मू की जनता है?
देखो सुरेंद्र चौधरी का वो नजदीक है, हम जानते हैं, इकट्ठे भी रहे हैं, हमारा छोटा भाई है, उसके साथ मेरी बहुत वास्तगी रही, हम इकट्ठे भी चले हैं, तो पर्सनली तौर पर बहुत अच्छा आदमी है। तो वैसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो, ऐसी बात नहीं है कि बाकी लीडरों की तरह हमें वो नहीं करेगा। थैंक यू। थोड़ा थोड़े पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।